हेलो वाइन वॉचिंग क्लैब ट्रैप एंड मैं आज आपको दिखाऊंगा खूबसूरत से शैंडलियर। जब भी इस तरह के शैंडलियर आप खरीदते हैं तो इनमें ध्यान रखें, इनमें लेवल्स होते हैं 1, 2 और 3। तो आप इसकी जो डेप्थ है वो अपने स्पेस के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको कितने स्पेस में चाहिए। दूसरा आपको चीज़ जो फॉलो करनी होती है वो है मेटल वर्क। आप अपने इंटीरियर डिज़ाइनर या अपने फर्नीचर से मैच कर लें। अगर इसमें गोल्ड है तो आपके फर्नीचर में अगर गोल्ड है तो आप भी गोल्ड को फॉलो करने की कोशिश करिए, वो अच्छा होता है। थर्ड थिंग जो है वो है क्रिस्टल्स, ये और वो जो आप देखिए अच्छी क्वालिटी के क्रिस्टल्स हों। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस द कर्वेशियस आर्म्स। इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ज़्यादा कर्व्स में होते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीके के हैं। इनकी हाइट के और थीम के हिसाब से आप डिसाइड करें। अगर आप बहुत अल्ट्रा मॉडर्न हाउस बना रहे हैं तो वहाँ पर ये नहीं, आपको दूसरे दिखाएंगे वो लेने। ये थोड़े ट्रेडिशनल हैं जहाँ पर आप कार्विंग फर्नीचर लगा रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे आपको ट्रेडिशनल कारपेट लगा रहे हैं, वहाँ के लिए बहुत अच्छा है ये। आई एम एट स्टेलो लाइट स्टूडियो, इसका प्राइस आपको बताएं।